कॉन्ग्रेचुलेशंस थ्री ऑफ यू. अदृश्यम सर मतलब काफी ऐसा नाम है जो काफी राज छुपा रहा है. सर आपसे पूछना चाहूँगी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस और इसमें जो आपने कास्टिंग की इज अमेजिंग, इस पर हम बाद में बात करेंगे. व्हाट इज योर आइडिया ऑन दैट? कास्टिंग के लिए तारीफ करने के लिए थैंक यू. और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये हमारे ऐसे हीरोज हैं जो कि बड़े से बड़ा काम भी करते हैं देश के लिए, तो भी उनको सामने रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता, वो मीडिया में नहीं आ सकते. तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग ऐसा शो बना पा रहे हैं कि कम से कम उनको एक इज्जत, तो नहीं मैं बोल सकता हम लोग इतनी हैसियत नहीं कि हम उनको इज्जत दें, बट उनको एक पहचान और एक लोगों को, पब्लिक को, जनता को बताने के लिए कि देखो हमारे बीच में कितने बड़े हीरोज़ हैं, कितने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग हैं जिनको हम पहचानते नहीं. वो आपके बीच में से कोई एक है जिसको आप जानते नहीं होंगे कि ये है, हो सकता है जो आपके पीछे खड़ी हैं वो आईबी में हो, है ना. तो उनको एक पहचान देने के लिए, पहचान भी नहीं बोलूँगा, आई थिंक गलत शब्द बोल रहा हूँ मैं, बट उनके लिए ये शो है. और पब्लिक को, भारत की जनता को ये देखना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो इस देश को सेफ रखने का काम करते हैं, और उनको कोई भी उसके लिए कोई अवार्ड नहीं मिल सकता, और ये बात वो जानते हैं. ना अवार्ड ना रिकग्निशन, और स्पेशली आज के दौर में हम जो भी करते हैं हम सोशल मीडिया पे डालते हैं या इसलिए करते हैं ताकि कुछ लोग देखें और उसकी तारीफ़ करें. हमारे देश में नहीं, बाहर भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने देश के लिए इतना कुछ करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट कर देते हैं सर्विस के लिए, और उनके काम में ही ऐसी चीज़ होती कि वो न सामने आ सकते हैं, न क्रेडिट ले सकते हैं, न कोई उन्हें क्रेडिट देता. इनफैक्ट यू बी वेरी सरप्राइज्ड, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग शहीद भी होते हैं तभी भी उनको रिकग्निशन नहीं मिलता, एक सिर्फ मेडल मिलता है उनकी फैमिली. मैं इन शॉर्ट यही बोलूँगा, अब तक जो भी कैरेक्टर मैंने प्ले किया है ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. क्योंकि देखिए, हम अगर अग्रेसिव होते हैं तो वो अग्रेशन दिखा देते हैं, हम अगर अथॉरिटेटिव होते हैं वो दिखा देते हैं. रवि वर्मा ऐसा कैरेक्टर है, ये सब होने के बावजूद एक ह्यूमैनिटी, एक वल्नरेबिलिटी और अपनी अच्छाई को कभी नहीं भूलता, और वही तीनों चीज़ दूसरों में भी ढूंढते रहता है, और वो कोशिश ये करता है कि किसी भी तरीके से, कुछ भी तरीके से किसी का भी नुकसान ना हो, कोई ना कोई, या अपने, हाउ डू आई से इट विदाउट गिविंग आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, अगर वो कोई ऑपोजिट एजेंट को भी पकड़ता है वो ये कोशिश करेगा कि कैसे इस एजेंट को हम यूज़ करें और उसे ख़त्म ना करें. गुजरना पड़ा इस किरदार के लिए. असल में इस किरदार के लिए मैंने जितनी मेहनत की है, इस पूरे शो के लिए सब उतनी ही मेहनत कर रहे हैं. ये एक पहला ऐसा शो है जिसमें मैं देख रही हूँ कि हर एक एक्टर इंटेंसली इन्वेस्टेड है शो में. हमारे जो डायरेक्टर भी हैं वो बहुत ही मेहनत करके शो की स्टोरी लाइन को इस हद तक फैक्ट्स के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जब देखें तो आपको लगे कि हाँ, दिस इज़ समथिंग वेरी रियल जो आप विटनेस कर रहे हैं. इट इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी ऑनेस्टली. अब बात अगर मेरी है तो हाँ, मैं एक सर्जरी के फेज़ से गुजरी और मैंने अपने आप को अच्छे से प्लान किया कि मैं किस तरह से उस फेज़ से, जब मैं बिल्कुल ही नहीं चल पा रही थी, वहाँ से आई कैन परफॉर्म वेल इनफ टू जस्टिफाई पार्वती, क्योंकि बहुत ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे डाली सचिन जी ने, और मैं चाहती थी कि फुल जस्टिस कर पाऊँ. सो यस, आई बाउंस्ड बैक एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट द जर्नी दैट आई हैव डन. मांग के ले रही हूँ एक्शन. आप बताइए, आप जिस तरीके से दिव्यंगा ने इतनी मेहनत की
हाँ, तीन महीने में घर पर बैठा था, संजय जी ने रुका के रखा था मुझे, शूटिंग शुरू होने वाली नहीं, शुरू होने नहीं हुई, साइन करके रखा था और कुछ करने नहीं दिया मुझे। तो इतना सारा भरा पड़ा था ना मैं कि आते ही मैं टूट गया। आते खूब एक्टिंग की हमने भर के। यार बहुत लोग हैं उस शो में जिनको ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए। हम पर्दे के सामने आते हैं इसीलिए हमें क्रेडिट मिल जाता है, बट इस शो के भी अनसंग हीरोज बहुत हैं। सचिन जी इज़ वन ऑफ देम। अभी वो सामने बैठे तो तारीफ करनी पड़ेगी। इनफैक्ट उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया है इसका, जो आप ट्रेलर देख रहे हैं उसका म्यूज़िक भी दिया है। हमारे शो रनर है चाणक्य जी, हमारे पूरे यूनिट है, हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो हमें मेंटर करते हैं सेट पे। उन्हें इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता है फॉर्चुनेटली। फिर उनका नाम है अंशुमन जी और आलोका जी है जो इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हुए हैं और वो हमें गाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, दे हैव मेड श्योर दैट हम कहीं भी गलत ना जाएं। व्हेन इट कम्स टू प्रेपरेशन, माय डायरेक्टर हैड टोल्ड मी के मैं जवान के बाद थोड़ा फिजिक मेरी बहुत स्ट्रांग थी। तो इस शो में बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी एजेंट रास्ते पर चल रहा है, PIA का जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी हमने इजाद की है, तो वो अलग नहीं दिखना चाहिए। ही शुड लुक अ पार्ट ऑफ द क्राउड, ही शुड लुक इनविजिबल, ही शुडंट लुक यूनिक, अलग दिखे या हीरो की तरह दिखे या हीरोइन की तरह दिखे या कुछ एकदम स्पेशल उसके बारे में दिखे। तो वो सब चीज़ें हमने जहन में रखते हुए इसे बहुत नॉर्मलाइज किया है। नॉट ओनली जब हम एजेंसी का काम कर रहे हैं या रियल लाइफ में भी, मतलब उनके रियल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी हमने बहुत कोशिश की है कि वो बहुत नॉर्मल रहे, जो आम जिंदगी में होता है वैसे सिचुएशंस है, उनमें अपने आप एक ह्यूमर निकलता है तो वैसे रखें। बाकी तो आप देखिए और आप जज कीजिए कि हम इस एफर्ट में कितने कामयाब हुए। टू दिस आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। आमतौर पर हम जब ऐसे शोज देखते हैं तो हम सिर्फ फील्ड वर्क देख रहे होते हैं, तो जैसे कि एजाज जी ने कहा कि जो घर की लाइफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे शो का, जहाँ पे आप देखते हैं कि दे आर लाइक रियल पीपल। तो सचिन जी ने, चाणक्य जी ने बहुत खूबसूरती से हमारी पर्सनल लाइफ्स को प्रोफेशनल लाइफ के साथ इंटरट्वाइन किया है कि वहाँ पे भी हमारी जो डिफ़िकल्टी होती है लाइफ को बैलेंस करने में वो दिखाया गया है। एंड आई एम श्योर आप लोग देखेंगे तो यू विल गेट हुक्ड, बिकॉज हम आपको आप ही के जैसे नज़र आएंगे बिल्कुल। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिव्यांका एंड मी आर नॉट कास्ट ऑपोजिट ईच अदर, वी हैव अ डिफरेंट फैमिलीज, बट यू विल सी अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन रवि वर्मा एंड पार्वती सहगल। उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वो सब कुछ अपने लोगों को नहीं बता सकते, ना अपने काम के लोगों को ना अपने फैमिली के लोगों को। ये दो ही हैं जो एक दूसरे में कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कैसे करते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। राइट राइट। जैसे कि एजाज ने बताया 3 महीने उनके लिए तो भारी था, लेकिन वो 3 महीने आप घर में थी, विवेक की तरफ से किस तरह से सपोर्ट मिला उस सर्जरी से जब आप रिकवर कर रही थी या उस दौरान कितना सपोर्ट मिला? कोई अवार्ड है क्या स्वीटेस्ट हस्बैंड एवर वाला विवेक को दे देते हैं हम? क्योंकि नहीं, उन्होंने सच में बहुत पेशेंस रखा मेरे इर्द गिर्द, क्योंकि एक वो पेनफुल प्रोसेस होता है और उसमें मैं बहुत फोकस्ड थी कि मुझे कहीं पहुंचना था। और उनके लिए भी पहले वो हमेशा बोला करते थे वर्कआउट करो वर्कआउट करो करो, इस बार ऐसा था कि मुझे करना ही नहीं, वॉज ट्राइंग टू स्टॉप मी कि नहीं पहले हील हो जाओ उसके बाद में तुम्हें जो करना है। सो ही रियली हेल्प्ड मी विथ माई एंटायर स्केचिंग अप ऑफ दिस वर्कआउट प्लान कि मैं कैसे फिजियोथेरेपी करूँ कब करूँ। ही वॉज अ पार्ट ऑफ एंटायर प्रोसेस। तो हाँ, यहाँ पे शायद हमारे प्रोजेक्ट में उनका भी थोड़ा योगदान है, आशीर्वाद है। अपॉइंटमेंट है आप लोगों का हमारे साथ में, याद रखिएगा, इट इज ऑन 11th of April थर्सडे फ्राइडे रात 8 बजे। सचिन जी क्या करना चाहेंगे शो के बारे में? मैं तो शो के बारे में ही कहना चाहूँगा, जैसे शो निकल के आया, शुरू के कुछ एपिसोड्स हम लोगों ने देखे, अब शायद मैं उसको प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ तो मैं बायस हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन शो है और जो भी इससे जुड़ेगा शुरू से, एंड और ऐसे फेसेस होना वो भी एक ब्लेसिंग है
दिव्यांका त्रिपाठी और एजाज खान उसको लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो भी देखेगा उसको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और एक नई लाइफ देखने को मिलेगी कि हमारे हमारी कंट्री के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो कैसे कोप करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं फैमिली लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, जैसे दिव्यांका जी ने अभी बोला, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट इस शो में भी दिखाया गया है। सिर्फ ऑपरेशंस नहीं दिखाए गए हैं, वो अपने परिवार को लेके कितने कॉन्शियस हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं। कभी कभी परिवार के ऑपरेशंस और ज़्यादा हावी हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है। थैंक यू। थैंक यू। चलो एजाज भाई इधर, एक मिनट अभी रुक जाओ।